नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। आर्टिकल 370 हटने के परिणाम अब जम्मू कश्मीर के अंदर दिखने लगे हैं। परिणाम यह है कि कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में अब अन्य राज्यों के मेरिट धारकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी अन्य राज्यों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कश्मीर लोक सेवा आयोग ने यह फैसला किया है। यह भी एक अच्छी खबर है कि इस वर्ष अन्य राज्यों के लगभग 32,000 विद्यार्थी जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर मचाया है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटों में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी 23 जनवरी यानी आज क्रिकेटर केएल राहुल के साथ में शादी करने वाली है। दोनों की शादी खंडाला में होगी, जिसमें बॉलीवुड और देश की बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। शादी से पहले दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को राज रखने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दोनों की नज़दीकियाँ किसी से छिप नहीं सकी। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सरकार और विपक्ष में बड़ा टकराव हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफों को लेकर के सियासी विवाद होना तय माना जा रहा है। असल में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर के फैसले से पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर अब गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।